हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज घर में बहुत हड़बड़ मची हुई है क्योंकि सब लोग रेडी हो रहे हैं। हम लोग नगर कीर्तन जा रहे हैं, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि सब लोग कैसे कैसे तैयार हो रहे हैं और सब लोग एक्चुअली कहाँ लेट कर रहे हैं। कि मैं सबसे पहले तैयार होकर खड़ी हो गई हूँ गाइस, दे आर एक्चुअली टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। अयान, आप क्या कर रहे हो, दिखाओ। बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, जल्दी करो। स्मार्ट वॉच पहनना, बस उसके बाद हो गया, और चार्जर भी ले रहे। ओके डन। नीरप्रिया आप, और ये देखो शर्मा जी की जूतियां नहीं अभी तक पहनी गई हैं। ये मतलब बेटी को पहले तैयार करेंगे फिर खुद तैयार होंगे। बजती भी है, अरे वाह बेटा। ओह शर्मा जी की जूतियों का सेटलमेंट डे हुआ है आज। चलो गाइस जल्दी करो, हम लोग लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। चलो गाइस, चलो चलो फटाफट यार, लेट्स गो। मौसम आज बहुत प्रिटी है, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, तो सूट पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर रियली कंफर्टेबल। हाँ जी बेबी, बैठो जल्दी से, चलो फास्ट। सो आज देखते हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम नगर कीर्तन जा रहे हैं। शर्मा जी दो तीन दिन से बोल रहे थे कि नगर कीर्तन होगा, तो मैंने कहा कि जरूर जाएंगे यार। व्यूवर्स के लिए एक शूट करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारी कम्युनिटी के कितने सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर होते रहते हैं। सो वी शुड ज्वाइन देम सो डैट हम लोग कई लोगों से वहाँ पर मिलते हैं एंड गेट टुगेदर हो जाती है और जान पहचान बढ़ती है। दैट्स वी कॉल नेटवर्किंग गाइस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सो वेयर यू आर गोइंग नीरप्रिया? यू एक्साइटेड? मंदिर? नो, इट्स नगर कीर्तन। गाइज नीरप्रिया को अभी नहीं पता है कि नगर कीर्तन कैसे होता है। इनफैक्ट मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ नगर कीर्तन, सो क्वाइट एक्साइटेड। रोड क्लोज कर रखा है गाइज यहाँ पर, देखो पूरा ना आज। वाओ, मैंने फर्स्ट टाइम देखी आज। मैंने भी लिमोज़िन। ये देखो लोग बड़े यहीं से पैदल जा रहे हैं, बट हम कार लेके फंस गए हैं। अब पता नहीं कहाँ पार्किंग मिलेगी करने के लिए। आई डोंट थिंक सो, प्लाजा में भी ऑप्शन है हमारे पास, इट्स ऑलरेडी फुल। So, let's see. पहले तो आज पार्किंग फाइंड करने में टाइम लगेगा। गाइज हमने यहाँ पर अभी गाड़ी पार्क करी है किसी से रिक्वेस्ट करके उनके घर के सामने, तो इट वॉज अ ऑसम एक्सपीरियंस। हमें पूरे 15-20 मिनट हो गए थे घूमते घूमते कि गाड़ी कहाँ पार्क करें, एंड फाइनली वी गॉट द चांस कि हम लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। अयान आपको क्या मिला? बड़ी दो बोतल, एक बोतल स्लीपरी को सेम मिला। I'm having just a two-up, sir. शर्मा जी को गर्मी लग रही है, वो सिर्फ two-up ले रहे हैं और चला रहे हैं तब से। और एक स्पिन गेम था जिसमें अयान और निर्भय ने दोनों ने बॉटल्स जीती, मैं कैप्चर करना भूल गई। निर्भय ऑल्सो वन। कहाँ पर चले गए हैं, तो अभी मेरे साथ है नीपू। नीपू मम्मा कहाँ हैं? अभी हम प्रियंका और अयान को ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं आपको।
खुशी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सिक्योरिटी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। आई डोंट नो, मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। सब लोग बैठ के यहाँ पर देखो साइड में खा रहे हैं, अपना खाने का स्टफ लेके आके आराम से बैठे हुए हैं और बहुत मजे से फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। How did you like the event? Just tell me, inshallah. It was awesome so far. I've only been around about an hour so far, but it's great getting all the food, seeing all the stuff, seeing the parade and everything. It's really cool. That's great. I mean, you're here for the first time or you already been here? I've been here several times. I've lived in the woods for over 20 years. What food you like the most? That's the main question, I think. I want to know. There's so much good. That's such a hard question. There's so much good food. Do you know the name of the food? You know what, this one? I don't. Oh, he has something to show us. I don't know what this is, but it is delicious. Oh, you don't know? It is delicious, whatever it is. So guys, he have bread pakoda, but he don't know like what it is, but he said it is very delicious. So I hope you liked it. Let me tell you, it is bread pakoda. Okay, yeah. I've had fish pakora before. Oh, okay. But bread pakoda, very good. Yeah, it's a kind of same thing. Awesome. Yeah, now this and then samosa is probably my favorite. My all-time favorite samosa. Oh, thank you so much. No problem, appreciate it. And I really like the way like you are enjoying the food. Yes, for sure. I hope you will enjoy all the time even. Thank you so much. See ya. Bye-bye. जी यहाँ पर खेल रहे हैं क्योंकि झूले बहुत अच्छे लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को भी रिलैक्स हो गया बिकॉज बहुत थक गए घूम घूम के। बहुत अच्छे फंक्शंस हो रहे थे अंदर और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। फूड आइटम्स की वेराइटीज़ बहुत अच्छी थी, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, मैंने कैप्चर किया है। तो ओवरऑल इट वॉज़ वेरी गुड एंड अच्छा लगता है यार, सब लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, थोड़ा सा मतलब गेट टुगेदर हो जाती है एंड अपने लोग लगते हैं। तो देख के लग नहीं रहा मुझे आज कि मैं कैनेडा में हूँ, बिल्कुल ना ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग मतलब इंडिया में ही हैं और सब लोग आज किसी फंक्शन में एक साथ होके सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो गाइस इनको, अयान को शैतानी करते हुए। ये पूरा यहाँ पर एक स्टोन का बना हुआ है बच्चों के खेलने का। नीप्रिया भी ट्राई कर रही है, वो देखो चढ़ के आ गई वहां से। और यहाँ देखो मैं दिखाती हूँ आपको, काफी बच्चे खेल रहे हैं, झूले लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। सब बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। ये सब लोग वो हैं जो नगर कीर्तन से होके आ गए हैं। ये देखो गाइस हमें आंटी जी मिले हैं यहाँ पर, तो आंटी जी से पूछते हैं। आंटी जी पहली बार आए हो यहाँ पे? नहीं, ऐसी तो कितनी बार इतने आ चुके हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए? आपको अच्छा लगता है? लगता है देख के कैनेडा में कि अपने लोग हैं काफी। मुझे भी थोड़ा ही टाइम हुआ है बाद से, जब हम प्रोग्राम देखते हैं पता लगता है पंजाबी, फिर पता चलता है ना कि कितने पंजाबी है। तो नहीं, बहुत अच्छा लगता है अपने ना सारे मतलब लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उन्होंने परमिशन ले ही लिया। अच्छा, गवर्नमेंट से परमिशन लेके एक दिन कर लेते हैं सारे? एक दिन फिर सारे रोड ब्लॉक किए हुए ना। है तो रूल रेगुलेशन तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, हर चीज है। मैंने देखा अंदर सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। ऐसी है कि आराम से आते जाते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, कोई अपना प्रोग्राम देखते हैं, हाँ इंजॉय करते हैं, खाते हैं पीते हैं, सफाई भी नाल नाल कर रहे हैं। हाँ। काफी अच्छा लग रहा है, मतलब बच्चे बैठे हुए हैं, सब आके यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। एक फैमिली टाइम भी हो गया और मतलब एक फंक्शन भी अटेंड हो गया बैसाखी का, तो बहुत बहुत ही मतलब अच्छा लगता है ऐसे सब। सो गाइस फाइनली जाने की तैयारी हो चुकी है। ये देखो शर्मा जी पीछे अपने बच्चों को बुलाते हुए, वो लोग निकल ही नहीं रहे थे यहाँ से। गाइस हम लोग फाइनली आ गए गाड़ी में और बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा?
मुझे बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। लास्ट ईयर सेकंड टाइम था ना, हाँ लास्ट ईयर ये बेचारे ना यहाँ पर अकेले घूम रहे थे गाइस, और इस बार हमारे साथ आए हैं। तो कैसे लगा आपको यहाँ पर हमारे साथ आके? लास्ट ईयर ज्यादा एंजॉय किया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात। आप लोगों के आप मतलब टोरंटो में रहते हैं, कैलगरी में रहते हैं, और या फिर वैंकूवर जैसी लोकेशंस पे रहते हैं, तो प्लीज आप लोग भी नगर कीर्तन मिस मत कीजिएगा, बहुत मजा आता है। हमने पूरे 4 घंटे लगा दिए यहाँ पे, एंड सबसे मिले, बातें बातें करी, खूब खाया पिया, काफी अच्छा लगा यार। और हमें एक्चुअल में मैंने ना यार कैप्चर नहीं किया, हमें हमारे सब्सक्राइबर भी मिले फॉर अ चेंज। आई रियली फॉल इन लव यार, कि सच में लोग हमें देख रहे हैं। गाइज प्लीज डू कॉमेंट मी कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है अंदर, एंड तब तक के लिए टेक केयर, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो, एंड डू कॉमेंट अस गाइज प्लीज, नीड प्रेज ऑलवेज इन फन मूड, प्लीज डू कॉमेंट मी, एंड विल सी यू सून, बाय बाय।